है? मेरा नाम है मकबूल हुसैन। गवर्नमेंट एग्जीबिशन रखा हमारे लिए, हर किसी के लिए। यहाँ की जो भी कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास, डायरेक्ट आप हमारे पास आ रही है। अब ढूंढने के कस्टमर हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प हमारे लिए की है। सुबह से कम मेरे पास 50 कस्टमर आए, बहुत अच्छा रहा हमारे पास। इंशाल्लाह आइंदे ऐसे और भी आ सकते हैं हमारे को। मेरे पास नदरू है, सबसे इंटरनेशनल नदरू इस वक्त जा रहे हैं मेरे पास। ये ईरान भी जा रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं। अल्लाम, मेरा नाम इरशाद मंजीन है। हमारा प्रोडक्ट है मेनली फोर्टिफाइड बेकरी है, जिसमें हमने बनाए हैं फोर्टिफाइड ब्रेड्स और फोर्टिफाइड बिस्किट्स। जो ये स्टॉल यहाँ पे लगा है, तो पहले तो हम शुक्रगुजार हैं जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है, लीड्स हमें बहुत सारी मिली, 15 से 20 तक तो लीड्स मिली। मेनली इसमें ये हुआ कि अवेयरनेस हमें मिली, एक्सपोजर मिला किस तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या बिजनेस कैसे बढ़ाना है, उसका एक्सपोजर मिला मेनली। बस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेनली जो अपने प्रोडक्ट की बात करूँगा मैं, हमारा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ये हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। जो हेल्थ कॉन्शियस आज तक मतलब सभी बन रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस ही बन रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि मतलब जो बेकरी का सेगमेंट है इसमें भी हमें हेल्थियर चॉइसेस मिले, जैसे ब्रेड में भी और बिस्किट्स में भी। जैसे हम कहा जाता है कि फैट कम होना चाहिए, शुगर कम होना चाहिए या सॉल्ट भी कम हो, हम उसी पे फोकस करते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट बनाने में अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं कभी भी जो गर्ल फूड बोल रहेगा, जो फूड एक्सपोजर बोला था गर्ल फूड दिखा था, लेकिन उधर बहुत बिजी में क्राउड में होता, लेकिन उधर जो मैं आ गया कश्मीर से, अच्छा हॉस्पिटलिटी है और बहुत न्यू प्रोडक्ट भी मिला है। अभी जिधर भी नहीं मिल रहा है, अभी जो इधर जो भी मैं फाइनल किया, मीन पाउडर एंड राइस आटा, लाइक दैट इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट्स, आई जस्ट सीन दैट। देखिए, बायर सेलर मीट का बुनियादी मकसद जो है वो बायर्स और सेलर्स, उनको आपस में कनेक्ट करना, और जो हमारे यहाँ के सेलर्स हैं उनको मार्केट के साथ लिंकेज देना। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज जो है वो कंट्री से, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, और उसके बाद मुल्क के बाहर से जो है वो बड़े बड़े जो बायर्स हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, और उन्होंने जो है वो हमारे सेलर्स के साथ इंटरेक्शन किया, उनके सैंपल्स देखे, उनके प्रोडक्ट्स देखे, और उनकी पैकेजिंग, उनकी ब्रांडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें देख के उसमें इंटरेस्ट शो किया हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स में। तो इससे जो है वो बिज़नेस लीड्स जनरेट होती हैं कनेक्ट के बाद, और उसके बाद जो है वो उससे बिज़नेस एक्टिविटी जो है वो खुद ब खुद जो है वो जनरेट हो जाती है। ये जो बाहर के बायर्स हैं या मुल्क के दूसरे हिस्सों से आए हुए बायर्स हैं, ये डोर स्टेप पे आए हैं हमारे सेलर्स के, और जो यहाँ के सेलर्स हैं उनसे अब यही तवक्का है कि वो अपने प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे सेलर्स को दें, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है हमारे प्रोडक्ट्स में बढ़े, और यहाँ का जो प्रोड्यूस है ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में और उसके बाद मुल्क के बाहर जो है वो पहुँचे। सर, ये जो इस तरह के इवेंट्स हैं, इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, ये जारी रहेंगे। गवर्नमेंट जो है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कीन है कि हम जो है वो यहाँ पर रेगुलरली इवेंट्स करें, और उन इवेंट्स के ज़रिए से यहाँ के जो सेलर्स हैं, एग्जिबिटर्स हैं, यहाँ का प्रोडक्ट है, यहाँ की जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट मिले। तो ये इवेंट्स जो है वो लगातार होते रहेंगे, अगले फाइनेंशियल ईयर में जो है वो नंबर भी ज़्यादा होगा और स्केल भी ज़्यादा होगा।